वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइट बर्न फिशिंग। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे, हम लोग फटन फिश कर रहे हैं, फटन फिश है नहीं मिस हो जा रहा है, उसमें से कुंडिया निकल जा रहे हैं, उसलिए मैं आपको जो बहुत कमेंट हो रहा है और फोन भी करके पूछ रही मुझे, फटन फिश हमारा बहुत मिस हो जाते हैं, बहुत छूट जा रहे हैं और सही बिला नहीं लगता और सही कुंडी नहीं लगती बोल के, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपको। आपको इसके लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, बहुत से लोगों ने पूछे मुझे वीडियो बनाओ इसके बारे में बता दो। आपको जो कुंडी या स्पून खरीदते ना ऐसा आ जाएगा आपको स्पून, मैं इसे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा इसका तो अल्ट्रेशन कर लेता हूँ और मेरा टेक्निक बनाता हूँ, मेरे वीडियो में देख सकते हैं आप। देखिए माशाल्लाह मैं ऐसे ऐसे ये कुंडी रहता ना, आपको नीचे दिखा रहा हूँ मैं कुंडी, ये कुंडी आपको ज़रा छोटी रहेगी, आपको पूरा छोटा रहेगा माशाल्लाह, कपड़े पर छोटा रहने से आपको क्या होगा मच्छी लगने में थोड़ा ये रहिए, आपको कहाँ भी खरीदो तुम्हें वैसे ही कुंडी मिलेगा। और वो ये तो मेरा पास थोड़ा स्टैंडर्ड है, आपको तुम्हें किधर भी खरीदेंगे अभी बारीक रहेगा। देखिए ऐसे जो कंपनी के स्टिकर रहते स्पून रहते वो स्पून को तो कुंडी बहुत तेज रहता और छोटे रहते, आपको मच्छी मिस होने में बहुत चांस रहता, उसके मैं ऐसा टेक्निक बनाया मैं माशाल्लाह। देखिए ऊपर एक कुंडी डाला, ये नीचे है ना, नीचे की से मैं बड़े कुंडे डाला हूँ, देखो हुक्स बड़े डाला हूँ, इसलिए क्या होता मच्छी इधर सामने से अटैक करेगी तो स्पून फिरते समय पानी में जो ऐसा राउंड फिरता रहता ना, ये हुक कैसा फिरते रहेगी, आपको ऊपर से अटैक करेगी तो ऊपर भी कैच कर लेगा और नीचे से अटैक करेगी तो भी मच्छी लग जाएगी। अब बहुत से बार क्या होता मेरा मेरे वीडियोस में आप देख सकते हैं, ये नीचे की कुंडी भी लग जाती है और ऊपर की कुंडी भी लग जाती है, मच्छी मिस होने के चांस नहीं रहते, आपको शिकार पर बेहतरीन हिसाब रहता, बहुत अच्छा हिसाब रहेगा, आपको कभी मच्छी मिस होने की ये नहीं रहती है। फिर भी आप ऐसी जगह पे खेलो, थोड़ा पानी ज़्यादा रहता ना उस जगह पे खेलिए, नहीं पानी में नहीं अटकता, कचरा नहीं रहता उस जगह पे, कहाँ भी खेलो माशाल्लाह ज़बरदस्त शिकार चलेगी आपके लिए, कुछ भी क्या टेंशन क्या भी नहीं, आप भी बना ले सकते हैं आराम से, मैं बना के दिखाता हूँ आपको एक उस पर माशाल्लाह। इस टेक्निक का थोड़े वीडियो हम बने हैं मेरे, आपको कट करके इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ मैं कैसा लगे हैं, किधर लगे हैं मच्छी, मैं किधर के कैच कर रहा हूँ, वो सब वीडियो मैं भेज दूँ इसमें, ये वीडियो में देखिए आपको पूरा समझ चला। तो मैं भी कुंडी उतर गई है, चांस नहीं आता माशाल्लाह, इधर घूम रही थी मच्छी, हमारा स्पून का राउंड लपट के इधर उतर गया, उसके लिए बोलता हूँ मैं बड़े कुंडिया डाली, आप कभी शिकार में फेल नहीं होते बोल के निकल गए थे इसे, फिर भी फिर सिर के ऊपर लग गया, देखे आपको दिखाता हूँ मैं, देखे समझ में आ जाएगा इसका टेक्निक कैसा काम करेगा क्या नहीं, उसके बाद में आपको कमेंट रख सकते हैं मेरा मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं तो मच्छी किधर किधर लगी है, कैसा अटैक हो जाएगा, सामने का कुंडी कैसा लगेगा और पीछे का कुंडी कैसा लगेगा, आपको क्लियर से हमारा वीडियो देखिए आपके पास, मेरे पास तो पूरा रेडीमेड का चीज़ मिल जाएगा। अब ये है ये स्पून होगा और ये 2 लाख हो गए, देखिए नीचे का है ऊपर का है 2 लाख हो गए हाँ, और कुंडिया आपको ये छोटे साइज के हैं कुंडिया, दिखाता हूँ खोल के दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह, ये छोटे साइज की कुंडी हो गई है, देखें आपको इसके लिए ऊपर किसे में डाल सकते हैं, और मैं ये बड़े कुंडिया है ये नीचे किसे डालने के है, देखिए आप कितने बड़े है इसका, क्यों इसलिए कहीं को डालता हूँ मैं इतने बड़े कुंडिया बोल रहे, तो पटन का मुंह बहुत बड़ा रहता ना, आपको 5 किलो 6 किलो लग जाएगी तो मिस होने के चांस बहुत रहते हैं, मैं भी बहुत मिस हो गए मेरे मच्छियाँ, बहुत बार मुझे बहुत बार लॉस हो गया मैं, उसके लिए मैंने क्या मैं टेक्निक बनाया है, बहुत अच्छा रहता आपको, आपको होना बोले तो भी मेरे पास मिल जाते हैं, आप फोन भी कर सकते हैं, अला ऐसा रेडीमेड पे मिल जाते हैं, ऐसा तो मैं ले लिया हूँ, आपको रेडीमेड पे ऐसा भी मिल सकता पूरे कुंडिया के साथ, फिर ऐसा भी मिल सकता स्पून,
अब दो से दो तरीके से ले सकते हैं, आपको कैसा होना है वैसा बना ले सकते हैं। मैं इसको एग्जांपल पे मैं इसे बना देता हूँ, देखिए ये नीचे कोनिया है ऊपर कोनिया है, सिंपल का काम है, मैं बना देता हूँ इसे। इसका लार्ज शू जरा वीक है तो भी हम लोग पूरा थोड़ा से ये कोनिया देना पूरा जतन से करना पड़ता है काम, क्योंकि मैं न्यूज़ पेपर और कटिंग पेपर रख लेता हूँ, आपके पास दूसरा सामान है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल का काम है, ये कटिंग पेपर से बेंड कर देना है, और देखिए ऐसा यहाँ पकड़ दिया, फिर ऐसा बेंड कर देना चाहिए, देखिए सिंपल से स्पून से बेंड हो जाएगा, देखिए होगा खत्म, ये निकल आ गया माशाल्लाह स्पून का, हुक बाजू रख दीजिए और ये भी निकाल दीजिए, और हम लोगों का काम है अब इसे निकालना है। इसको उतना मैं जो सा निकाला वैसा जरूरत नहीं है, सिंपल सी काट ले सकते हैं, जर्रा चिकाना है आपको, देखे बस खत्म हो गए। इस पर आप छोटी कुंडिया आप सामने भी डाल सकते हैं पीछे भी डाल सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो स्पून राउंड फिरता रहता ना इसलिए, इसका तो पीछे डालो सामने डालो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इसे सीधा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा लेवल पे, और आप लोग कैसे काटे हैं वैसा सेम उसे सीधा बना लीजिए। जतन से करना पड़ता है, कोने उतर गया तो बहुत मुश्किल उठाना पड़ता हम लोग का। अब होगा ऐसे ऐसे न्यूज़ पेपर से ऐसा पकड़िए, होगा दबा दिए माशाल्लाह। गैप मत रखिए इसलिए बोल रहा हूँ, वो गैप में से धागा क्या लग गया तो गैप में धागा लग जाएगा, और नहीं तो भी ये रिंग है ना छोटा रिंग वो निकल कर आ जाएगी। आपको मेरा वीडियो में दिखाता हूँ, मैं मेरी मच्छी गम गई है बहुत बड़ी मच्छी, ये रिंग निकल जाने पे इसे गैप नहीं डालना है, इसके बराबर सही तरीके पे रख ले गए ये करना पड़ेगा। इसे देखिए अब मैं ज़रा ज़ोर से दबाने में दब गया पूरा अंदर चला गया, ऐसे लोग उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रेडीमेड पे ला लेता हूँ ये भी हुक्स, ये रिंग कैक ला लिया बोल को बोलते ना स्लो, इसलिए ला लेता हूँ, उसका वो गारंटी नहीं रहता, वो कंपनी वाले जो बेस्ट है ना उसके ऊपर ये नहीं रहता, उसके लिए मैं ला लेता हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं ट्राई करा, उसके लिए वो भी सक्सेस होगा, वो भी बेंड होगा, ये बहुत अच्छा वीक हो जाएंगे वो। देखिए इसे निकाल दीजिए, बहुत नरम है वो, इसलिए जरूरत नहीं। अब मैं ऐसा ले लेता हूँ, देखिए बहुत स्टैंडर्ड रहते हैं, बहुत अच्छा भी रहते हैं माशाल्लाह। इससे देखिए बस कितनी स्टैंडर्ड रहती है, उठाना मुश्किल है। आप कितने भी दबाओ ये रेडीमेड पे मिल जाते हैं आपको, ये मेरे पास भी मिल जाते हैं, आप फ़ोन कर देते हो तो मैं मंगा के देता हूँ आपको माशाल्लाह। आपको बेच सकता हूँ काम भी, और डिटेल्स पे डालकर ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ मैं ऑनलाइन पे। ये बड़ी कुंडी है,
सिंपल सी दाल दे सकते हैं हम। इसका आइंदा वीडियो में आप किस जगह पे कोसा वेट का स्पून डाल सकते हैं वो भी बता देता हूँ, इंशाल्लाह आइंदा वीडियो बनाऊंगा वो आपको। लोकेशन पे जाकर मैं वीडियो दिखा के आपको वेट का स्पून कैसे डालते हैं और स्पून का साउंड कैसा आना चाहिए वो भी कमेंट में रखें, वो भी आपको बता देता हूँ। माशाल्लाह पानी कम रहे तो कैसे खेलना है, पानी ज़्यादा है तो कैसे खेलना है आपको बता देता हूँ। ये आप आज का वीडियो ये बनेगा, फिर लोकेशन पर गया बाद मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपको, कैसा शिकार खेलना है, क्या नहीं, पानी कम है तो कैसे फिराना है स्पून को। हाँ, थोड़े लोगों को नहीं मालूम है, उन लोगों का सब कमेंट कर रहे हैं मुझे, उसका भी बता देता हूँ माशाल्लाह। थोड़ा मिस्टेक हुआ है तो ऐसा लग जाएंगे, देखो वैसे जितना है ना आपको सब होगा। इसका काम बहुत जल्दी करना पड़ेगा काम इसका, आप ऐसा मत लगा लीजिए वीडियो बना रहा हूँ बल्कि वो ये लग गया है जो माशाल्लाह। कैसा आपको मच्छी मिस होने का चांस नहीं रहते, कोई चांस नहीं रहता, उसके शाम में से आटा करेंगे तो आपको छोटे कोने लग जाएंगे। और उसको थोड़ी मच्छी कैसा रहती है वो जैसा स्पून फिराते रहे स्पून के साथ में बढ़ जाता है, उसको बड़े कोने लग जाएंगे तो कुछ निकलने का कोई चांस नहीं रहता। बहुत अच्छा शिकार चलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा माशाल्लाह। आप लोग हम अच्छा मिस कर लिए, पूरा डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप मेरा ये ट्रिक को फॉलो करिए माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, मैं अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं छोटे छोटे वीडियो में लगाता हूँ और रखता हूँ उसमें, देखिए तुम्हारे को बहुत अच्छा पसंद आएंगे माशाल्लाह। बाय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट रखो। ज़्यादा से आपके कोई भी डाउट है कमेंट पर रख दीजिए, मैं माशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। बाय व्यूअर्स, बाय, थैंक यू।